नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर, अलीगढ़ से है, जहां थाना गांधी पार्क जोरी नगर क्षेत्र में कुछ दबंगों ने एक युवक के प्लॉट से अवैध खनन करा लिया, जिसकी शिकायत ने पीड़ित एसएसपी ऑफिस में की। इस दौरान पीड़ित ने बताया कि उसके 100 गज के प्लॉट पर कुछ दबंगों ने 15 फीट करीब गड्ढा खोद दिया है और उसकी मिट्टी वहां से ले गए हैं। बता दें, इसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में की, तो थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी इस मामले पर सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित परेशान होकर एसएसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। 100 गज का प्लॉट है डोरी नगर में पला फाटक के पास, और जेसीबी लगाए के और मेरे गांव में तो 15-20 फिट करी करी मिट्टी निकाली है उन्होंने, और मामू को बहुत परेशानी है। चाहे कोई गैया गिर सकते है, बच्चा भी मर सकते है, और मैं बहुत दुखी हूँ। भागते भागते एक हफ्ता है मामू को, इतवार का केस है। किसने निकाली ये मिट्टी? एक भगवान दास है और वहाँ के 4-5 साथी और हैं। खबर आगरा से है, जहां गुटके का ऐड करने वाले और लोगों को नसीहत करने वाले अभिनेता अक्षय कुमार को केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने नसीहत दी है, और केंद्रीय मंत्री ने मामले का ऐड करने पर अक्षय कुमार को घेरा है, और उन्होंने कहा कि जो दूसरों को नसीहत देता है अपने जीवन में पालन नहीं करता है, मैं उनके खिलाफत करता हूँ। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मेरा अक्षय कुमार क्या, मैं हर उस व्यक्ति को जो दूसरों को उपदेश देता है और अपने जीवन में उसका पालन नहीं करता है उसके खिलाफ रहता हूं। कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। मैंने शिक्षा पे इतना बड़ा भाषण दिया और मेरे बच्चे रिवॉल्वर लगा के शहर में धमकाते फिरे, तो मैं एजुकेशन पे बोलने का मेरे को कोई अधिकार नहीं है। संयोग से मेरे दोनों बच्चे स्वयं बेटी MBBS MS है और बेटा MBBS कर रहा है, इसलिए आप मेरे से पूछ सकते हो कि एजुकेशन पर तो भाषण देते हो, घर में पढ़ाई नहीं करते हैं। तो अक्षय कुमार स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं, लेकिन वो चाहे तम्बाकू वाला मसाला हो या बिना तम्बाकू का मसाला हो, वो मसाले सभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। खबर अमेठी से है, जहां प्रशासन की लापरवाही और कार्यशैली से परेशान पूर्व प्रधान ने 12 साल पहले बने सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय पर कब्जा किया, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने विद्यालय में तैनात अध्यापक और बच्चों के गांव के प्राइमरी स्कूल में अटैच किया। बता दें, जमीन के विनिमय का आश्वासन देने के बावजूद भी प्रशासन ने जमीन नहीं दी। खबर गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम थाने की है, जहां तैनात महिला सिपाही को गाजियाबाद की महिला होमगार्ड निर्मला को पिछले महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मामले को लेकर महिला होमगार्ड ने एसपी सिटी सेकंड ज्ञानेंद्र कुमार सिंह को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर आगे की कार्यवाही करने की बात कही। और एक दूसरी जो है लड़कियाँ मुझे बहुत परेशान करती हैं और मुझे आए दिन प्रताड़ित करती रहती है कि तू होमगार्ड है, होमगार्ड है, कह कह के मुझे बेइज्जती करती रहती है। जब पानी ना जा जाएगा तेज पानी में डूबी निकल देंगे, ये सब कहती रहती है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले की एसओजी सर्विलांस और थाने की पुलिस टीम ने 32 वर्षीय महिला की हत्या का खुलासा 24 घंटे के अंदर करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बता दें, इस मामले में पुलिस का कहना है कि प्रेम संबंध में महिला की प्रेमी ने हत्या की थी, वहीं अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद उसे समुचित धाराओं में जेल भेज दिया गया है और पुलिस टीम को 15,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया गया। ये कल सुबह थाना उसका बाजार क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राम है नटवा ताल, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 32 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई है। मौके पर तत्काल पुलिस पहुँची थी, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया था। मौके पर जब बात की गई तो महिला के साथ उसके दो बच्चे उस रात को थे, उन्होंने पूछताछ में बताया था कि एक विनोद सानी नाम का व्यक्ति है जो उस रात को आया था, पहले भी आता रहा है, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई। इसमें हम लोगों ने अपनी पुलिस टीम का गठन किया गया था और इसमें हमारी SOG एवं थाना उसका की टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के भीतर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। खबर सोनभद्र से है,
जहां के पिपरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंवारी में 8 साल की बच्ची को कार सवार कुचलते हुए फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को हिंडालको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। सोनेलाल जयंती को मनाने को लेकर पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल के बीच विवाद हुआ। वहीं पल्लवी पटेल ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पल्लवी पटेल के साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी दिखे। वहीं इस दौरान एक ऐसा चेहरा दिखा जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पल्लवी पटेल को समर्थन देते नजर आए हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता ने केशव देव मौर्य से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपने विचार रखे हैं, आइए आपको भी सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद है महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी। सर, आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें आपको अतिथि के तौर पे बुलाया गया था, इसमें पल्लवी पटेल की तरफ से आरोप लगाया गया है कि उनकी बड़ी बहन अनुप्रिया पटेल अपने ताकत का प्रयोग करके उनकी जो बुकिंग कराई गई थी सोनेलाल पटेल की जयंती मनाने को लेकर, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहले तो आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश को बधाई। महान दल परिवार की ओर से डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को नमन वंदन। अगर जो पल्लवी पटेल जी ने आरोप लगाया वो अगर आरोप सही है, मुझे क्योंकि सारे मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उनका कहना जो है वो अगर सही है कि बार बार प्रशासन ने परमिशन कैंसिल किया, तो ये निश्चित रूप से निंदनीय कार्य है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के ऊपर सबसे पहला अधिकार कृष्णा पटेल जी का, आदरणीय कृष्णा पटेल जी, उस समय जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपना दल की नींव डालकर आगे बढ़ रहे थे तो आदरणीय कृष्णा पटेल जी उनके साथ साथ थी, उनके साथ संघर्ष कर रहे थे। तो उनकी पत्नी होने की वजह से, उनकी हमसफर होने की वजह से डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को याद करना शांति से और उनकी यादों में थोड़ी देर बैठे रहना, उनके विचारों को जनता तक पहुंचाने का अधिकार से वंचित करना, प्रशासन ने जो काम किया वो निश्चित रूप से निंदनीय। अच्छा, अभी अगर देखा जाए तो बीते महीने आपने समाजवादी गठबंधन से अपना नाता तोड़ दिया और अपेक्षा का आरोप लगाया, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, 3 साल पहले 2019 के तुरंत बाद महान दल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया था। महान दल का पहला गठबंधन था और गठबंधन में आने के पहले से ही हमने गठबंधन के एक ईमानदार साथी की तरह से मैंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। महान दल ने ठाना सपा सरकार बनाना कहकर, कोई और नहीं बनाया, जितने भी गठबंधन साथी थे किसी ने माहौल नहीं बनाया। आज आप देख लीजिए, मेरे न रहने के बाद समाजवादी पार्टी जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का माहौल नहीं बना रहे हैं, बल्कि उसे मजबूर करके अपनी सीट बढ़ा रहे हैं। जबकि मैंने कोई बारगेनिंग नहीं की, मैं ईमानदारी से उनके साथ रहा। मुझे 8 सीट कर अखिलेश जी ने केवल 2 सीट दी और दोनों पर मेरे परिवार के लोग चुनाव लड़े, जबकि मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ। लोग तो ये कह रहे हैं कि अरे परिवार के लोगों को लड़ा दिया। परिवार के लोगों को लड़ाना समाजवादी पार्टी की रणनीति। उन्होंने कहा कि आप परिवार से कितने लोगों को लड़ाएंगे, उनके 2 कहना, 8 में 6 और हमने कहा कुछ कार्यकर्ता कुछ ऐसे लोगों को लड़ाएंगे जो हमको भी संसाधन देकर चुनाव हमारा लड़वा दें, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है। तो अगर मैं दो ही सीट मुझे समाजवादी पार्टी ने दिया और दोनों मैंने अपने परिवार को लड़ाया, एक पत्नी है बेटे, तो मैंने किससे पैसा लिया? इसका मतलब जो चुनाव में पैसे लगे वो मेरे घर से गए, मेरे संगठन से गए, वैसे ही कमज़ोर था और कमज़ोर हो गए। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ने धोखा भी दिया मुझे और उपेक्षा भी मेरी किया। समाजवादी पार्टी ने कहीं भी महान दल का इस्तेमाल नहीं किया चुनाव में। अगर वो चुनाव में ठीक से इस्तेमाल कर लेते तो लगभग 100 विधानसभाएं ऐसी थी जहां समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों को आराम से महान दल के वोटर जिता देते, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो इस्तेमाल नहीं किया तो वोट नहीं मिला, उसका नुकसान ना अखिलेश जी को उठाना पड़ा। और जब मैंने उनसे चुनाव के पहले ही कहा था कि मैं चुनाव तक कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन चुनाव के बाद आपकी सरकार बनेगी तो मैं मांगूँगा, उन्होंने कहा बिल्कुल आपका अधिकार बनता है, अगर आप अभी चुप हैं तो आप तब कुछ भी मांगें, अगर सरकार बनती तो मैं मांगता कि आप मंत्रालय दीजिए। लेकिन जब सरकार नहीं बनी तो जो
प्रियंका गांधी जी के साथ एक दिन हेलीकॉप्टर में बैठकर हवाई जहाज में बैठकर दबाव बना के अखिलेश जी 38 सीट ले गए जयंत जी, उन्हें आप राज्यसभा भेजते हो। और जो ईमानदारी से आपके साथ रहा हर चीज़ को, मेरे पास इतना बड़ा ऑफर आया भाजपा की तरफ से, माननीय धर्मे माननीय दयाशंकर सिंह जी मेरे पास कई बार गए, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी कई बार आए, लेकिन मैंने उस ऑफर को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो अगर मैं ऑफर स्वीकार करता तो वो ऑफर आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ गद्दारी होती, पीठ में छुरा घोंपना होता, और मैं आदरणीय अखिलेश जी को अपमानित नहीं और उनको धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने कोई स्वीकार नहीं किया। वोट मेरे पास था और आपने मुझे कमज़ोर करने के लिए मेरे ही समाज के कठपुतली नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ज्वाइन करा, और ज्वाइन कराते समय मुझे हवा तक नहीं लगने दी, मुझे नहीं बुलाया गया, पूरे प्रदेश के लोग गए, मैं क्यों नहीं गया, मुझे बुलाया जा सकता था, नहीं बुलाया। उसके बाद चलो ठीक है, उपेक्षा आपने किया, टिकट आपने मुझे दो दिया और दोनों मेरे परिवार को लड़ा दिया षड्यंत्र के तहत, जिससे मैं कम वोट पाऊँ। उसके बावजूद जब मैंने कहा कि ठीक है आप, मैं 2022 तक शांत रहा, मैंने तमाम ऑफर छोड़ दिए, तो अब मेरा हक बनता है कि आप मुझे MLC बनाएं। अच्छा केशव जी, हमें ये बताएं कि जो टिकट का बंटवारा था, क्या उसमें गठबंधन की बात सुनी जा रही थी या पार्टी विशेष, जो पार्टी आपकी थी उसमें आप अध्यक्ष थे, आपकी बात चल रही थी? गठबंधन और पार्टी तो एक ही बात हुई ना, मेरी भाई पार्टी की तरफ से, महान दल की तरफ से मैं ही प्रतिनिधित्व करूँगा, तो मैंने बात की और ना तो उन्होंने स्वीकार किया, अंत शुरू से तो ये कहते रहे कि हाँ आपको 8 सीट मिल जाएगी, लेकिन जब मैंने दोनों सीट नॉमिनेशन कर लिया और दोनों नॉमिनेशन डेट उठाने की ख़त्म हो गई कि पर्चा उठाया जा सके, उसके बाद मुझे ये कह दिया गया कि अब मैं सीट नहीं दूँ। मैं तो गठबंधन उसी समय तोड़ लेता, लेकिन चूंकि मैं कमिटमेंट कर चुका था 2022 चुनाव तक मैं अखिलेश जी को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैंने नहीं छोड़ा। लेकिन जब आपका व्यवहार उसी तरह का बाद में भी रह गया, मैंने आपसे कहा कि आप मुझे MLC बनाएं, मैंने सबसे कम सीट ली, मैंने सबसे कमज़ोर रह गया, मैं अपने परिवार को लड़ा के जो मेरे पास ताकत थी, संसाधन थे, वो भी ख़त्म हो गए, तो इसलिए आप मुझे MLC बनाएं, मेरा अधिकार बनता। तो कौन का अधिकार मुझे MLC बनाने, मैंने समय मांगा, समय तक नहीं दी। मैंने उसके बाद कहा कि अगर आप मुझे नहीं बना रहे हैं MLC, तो ये कठपुतली स्वामी प्रसाद मौर्य जो कठपुतली नेता हैं, बसपा में थे, भाजपा में थे, समाज के साथ अन्याय हुआ, शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के साथ एक शब्द नहीं बोले, कभी भी किसी घटना में नहीं बोले। तो जब ऐसे आदमी हैं जो एक शब्द न बोले, ऐसे लोगों को आप क्यों MLC बना रहे हैं? किसी अपने ही पार्टी में किसी शाक्य कुशवाहा सैनी मौर्य को, जो समाजवादी पार्टी पहले झंडा ढो रहा हो, उसे आप बना दिए, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन वो भी नहीं सुने, समय तक नहीं दिए। तो मैंने अपनी बात रखी कि भाई मैं अब आपके साथ नहीं चल सकता, मैंने गठबंधन तोड़ दिया। अच्छा, अभी अगर देश में बात की जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से एक अग्निपथ योजना आया है, जिसके तहत 17 साल के बच्चों को अग्निवीर बनाया जाएगा, इस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, अगर नीयत अच्छी हो तो अग्निवीर भी अच्छी हो सकती, नीयत ना अच्छी हो तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि करोड़ों नौकरी देंगे, उन्होंने वो किया नहीं। मैं हालांकि कहीं ना कहीं अग्निवीर को बड़ा विरोध नहीं करना चाहता, अग्निवीर अगर अच्छी नीयत से लाई जाए तो अच्छी बात। मेरा मानना है, मैं अग्निवीर को से अलग हट के बात कर रहा हूँ, कि मेरा मानना है कि अगर ज़्यादा सैलरी में कम लोग नौकरी कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि कम सैलरी में ज़्यादा लोग नौकरी करें। आज कितनी असमानता है कि प्राइवेट अगर कोई स्कूल में टीचर है, प्राइवेट स्कूल का कोई टीचर, प्राइवेट टीचर, उसे मिलते हैं 2000 से लेके 10000 तक, और सरकारी स्कूल टीचर जहाँ पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं है, जीरो है, वहाँ मिलता 50,000 से 60,000। अगर सरकार इसको व्यवस्था करे कि जो अच्छे योग्य टीचर हैं प्राइवेट, उनको अगर वहाँ रखे और 10,000 पे ही रख दे, 10,000 की जगह 20,000 पर रख दे, तो उतने में 5 टीचर पढ़ा सकते हैं। नीयत अच्छी होनी चाहिए, कम सैलरी में ज़्यादा लोगों को नौकरी देना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसमें कुछ खामियाँ हैं। 4 साल बाद वो नौजवान जो भर्ती होगा वो क्या करेगा?
उसकी समुचित व्यवस्था, उसे पेंशन दिया जाए या उसको उसके जीवन के लिए कोई एक फंड बढ़ा दिया जाए, या कम से कम पहले जितनी सरकार समय के लिए थी नहीं उतना समय दिया जा सकता, तो आज कम से कम 8 साल 9 साल या 10 साल उसे सर्विस करने का मौका मिलना चाहिए, भले सैलरी कम हो। अच्छा, हाल ही में भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के द्वारा बयान दिया गया था, अभी कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि वो उस पर माफ़ी मांगे, अपने बयान को वापस लें, इस पर क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, ना भगवान राम जिंदा है, ना भगवान कृष्ण जिंदा है, ना भगवान हनुमान जी जिंदा है, और ना ही मोहम्मद साहब, ईसा मसीह या भगवान बुद्ध जिंदा है। इनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करना मूर्खता के सिवाय कुछ है नहीं। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मोहम्मद साहब को कुछ भी कहें, भगवान राम को कुछ भी कहें, आप भगवान कृष्ण को कुछ भी कहें, भगवान बुद्ध को कुछ कहें, वो यहाँ तो हैं नहीं, यहाँ बैठे तो हैं नहीं, उन्हें तकलीफ होगी। लेकिन उन्हें जो मानने वाले लोग हैं वो भारत के नागरिक हैं। भारत के एक नागरिक को भारत के दूसरे नागरिक को अपमानित करने का या दुख देने का कहीं भी संविधान में अधिकार नहीं है। और हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष ही नहीं, पंथ निरपेक्ष है। पंथ माने धर्म की अलग अलग शाखाएं, जैसे हिंदू धर्म में कबीर पंथ है, बुद्ध पंथ है, जैन पंथ है, उस पंथ को भी अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं है। और यही तो हमारी खूबसूरती है, इसीलिए तो हम भारतीय लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है कि हम अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग पंथ के लोग एक जगह रहते हैं और भाईचारगी के साथ रहते हैं। लेकिन छोटी राजनीति, छोटी मानसिकता, तत्काल फायदा और अपने आप को फेमस करने के लिए ये गंदी ट्रिक्स अपनाई जाती है। मैं इस ट्रिक्स का निंदा करता हूँ। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऐसे महापुरुष या किसी भगवान को के विरुद्ध कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं, जिससे कुछ लोगों की भावनाएं जुड़ी हों। आखिरी सवाल, निकाय चुनाव साल के अंत में है, महान दल क्या निकाय चुनाव लड़ेगी और अपने संगठन को कितना मजबूत कर रही है, तैयार कर रही है 24 और निकाय चुनाव को लेकर? महान दल एक छोटी सी पार्टी है और उसकी पहुंच अभी बहुत मजबूत नहीं है। जितनी है उतनी हम तैयारी करते रहते हैं। और हम, ये सच है कि हम अकेले सरकार बनाने में, विधायक जिताने में असमर्थ हैं। अभी नहीं हम जिता सकते। बड़ी बड़ी पार्टियां आज अकेले नहीं जीत पा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, अगर बसपा की मदद ना होती तो भारतीय जनता पार्टी दोनों उपचुनाव ना जीत पाती। जो दोनों उपचुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी अगर जीती है तो वो जीत बसपा की वजह से, अनुप्रिया पटेल की वजह से, वो संजय निषाद जी की वजह, सबके वोट को मिला के भारतीय जनता पार्टी एक एक बूंद करके गाढ़ा भरती। उसी तरह से अखिलेश यादव जो आज 111 सीट पे हैं, अपने गठबंधन साथियों की वजह से 125 सीट पे, वो तमाम गठबंधन के साथियों को वोट से, अकेले कुछ नहीं, अकेले बसपा एक सीट जीत पाई, अकेले आज राजनीति में किसी की हैसियत नहीं। तो महान दल तो बहुत छोटी पार्टी, उसकी क्या हैसियत। हाँ, हम प्रयास करेंगे। हमने प्रयास किया था कि हम समाजवाद, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करने वाली समाजवादी पार्टी से गठबंधन करें। इसी तरह से हम देखेंगे कि कोई ऐसी पार्टी जिससे हमारा सामंजस्य बैठ सकता है, जो प्रदेश से और देश के हित में काम करते, उस पार्टी के साथ गठबंधन बनाने का प्रयास करेंगे। अकेले दम पर, हमारी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कम अकेले दम पर कोई बहुत बड़ा रिजल्ट। हाँ, निकाय चुनाव छोटा चुनाव, कुछ जगह हम जीत सकते हैं, कुछ जगह जिता सकते हैं, कुछ हरा सकते हैं, वो प्रयास करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आज जयंती के अवसर पे सरकार को जगह देनी चाहिए। साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया कि निकाय चुनाव और लोकसभा के चुनाव मजबूती से लड़े जाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साफ।